आहे पुन्हा 5 वर्षांनी. साधा आमच्या लेडीज टॉयलेटचा विषय आमचा सॉल्व नाही झाला तर बिल्डिंग नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं युसुफ अली, आप देख रहे हैं सेम न्यूज लाइव. आइए नजर डालते आज की खास खबर पर. दोस्तों, पिछले शुक्रवार को यानी 2 दिन पहले वसई कोर्ट राजनीति का अखाड़ा बनते हुए दिखाई दिया. दरअसल आप सोच रहे कि कोर्ट में राजनीति का क्या काम, तो यहां कोई कानूनी प्रक्रिया की बात नहीं है. यह बात है, पालगढ़ सांसद राजेंद्र गावित ने वसई कोर्ट का दौरा किया था, उसकी बात है. हम सभी जानते हैं कि वसई कोर्ट कई सालों से वसई पश्चिम में तहसील के पास है और कोर्ट परिसर बेहद दयनीय स्थिति में है. कई बार कई सर्वे हुए कोर्ट परिसर को और जगह शिफ्ट करने के लिए कोर्ट की जगह का बार बार सर्वेक्षण हो चुका है. मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय भी वसई में आए, उन्होंने भी सर्वेक्षण अलग अलग जगहों पर किए हैं, लेकिन फिलहाल कोर्ट जहां स्थित है वहीं है और फिलहाल कोई ऐसी जगह फिक्स नहीं हुई कि जहां कोर्ट को शिफ्ट किया जा सके. तो कोर्ट की जो हालत है, जूना पुराना कोर्ट और जहां तंग हालत में कोर्ट है, उसको लेकर कई लोगों को असुविधा होती है. खुद न्यायाधीश महोदय को बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायाधीश महोदय वहां से अपना काम कर रहे हैं, अपना उनका जो काम है वो कर ही रहे हैं. साथ ही साथ आम जनता लोग जो अपने केस के सिलसिले में कोर्ट में आते हैं, उन्हें भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है. वसई विरार की जनसंख्या काफी अधिक है. खुद हमारे विधायक ये कहते हैं कि फास्टेस्ट जनसंख्या ग्रोथ वाला ये महानगर पालिका है, यह पूरा तालुका क्षेत्र है. ऐसे में हर रोज कई तरह के दीवानी और फौजदारी मामले होते हैं जिनको केस को लेकर लोग आते हैं कोर्ट परिसर में और उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. साथ ही साथ सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को. यहां सैकड़ों वकील हैं जो हर रोज अपने क्लाइंट के साथ कोर्ट में आते हैं, लेकिन उनको बैठने की या बाथरूम की या ऐसी जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, वो भी नहीं मिल पाती है. तो कहीं ना कहीं शुक्रवार को पालगढ़ सांसद राजेंद्र गावित ने एक संवाद कार्यक्रम रखा था और वकीलों की क्या समस्या है ये जानकारी लेने उन्होंने कोर्ट का दौरा किया था. शुक्रवार को दोपहर बाद उनका दौरा था. दौरे में जब राजेंद्र गावित कोर्ट परिसर पहुंचे तो उनके साथ में वसई तहसीलदार भी थे और बार एसोसिएशन के सदस्य थे. हम आपको बता दूं कि वसई में 3 से 4 बार एसोसिएशन है अलग अलग और सबके अपने अपने छोटे छोटे केबिन है. तो एक बार एसोसिएशन की इन्विटेशन पे सांसद महोदय आए. अब जब सांसद महोदय आए और संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ तो वहां से वो कार्यक्रम ने एक राजनीतिक मोड़ ले लिया. राजनीतिक मोड़ ऐसा कि माननीय सांसद है वो सत्ताधारी भाजपा शिवसेना गठबंधन से है, वहीं कोर्ट परिसर में कुछ वकील जो कि दूसरे पक्ष से है, उन्होंने सांसद राजेंद्र गावित से तीखे सवाल पूछे और उनके सवाल से राजेंद्र गावित निरुत्तर हो गए. बल्कि राजेंद्र गावित ने वसई विरार के सत्ताधारी बहुजन विकास आघाड़ी को टारगेट करने की कोशिश की. वीडियो में आप सुनेंगे कि राजेंद्र गावित ने क्या जवाब दिया. जब इन लोगों ने पूछा राजेंद्र गावित से कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने क्या फॉलोअप किया, आपने क्या कोर्ट के लिए, कोर्ट परिसर के लिए क्या कुछ किया, तब राजेंद्र गावित के पास देने को जवाब नहीं था. हालांकि जिन वकीलों ने यह सवाल पूछे वो वकील हम आपको बता चुके हैं कि विपक्षी पार्टी के समर्थक है, लेकिन वहां वो विपक्षी पार्टी के समर्थक के तौर पर नहीं बोल रहे थे बल्कि एक वकील के तौर पर बोल रहे थे. लेकिन फिर भी बात वही है कि चाहे वो वकील के तौर पर बोले, वो समर्थक और एक पार्टी के पदाधिकारी तो है ही, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टेटमेंट कहा ही जा सकता है.
लेकिन फिर वही बात आती है कि विपक्षी पार्टी जो सत्ता में नहीं है उसका तो काम ही सवाल पूछना है। तो अगर विपक्षी पार्टी ने सवाल पूछा तो उसमें कोई बहुत ज्यादा गलत या बुराई नहीं है, लेकिन जो सत्ता में है, जो सांसद महोदय पिछले लंबे समय से सत्ता में है, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सांसद महोदय से जवाब देते नहीं बना और सांसद महोदय यहां वहां की बातें करने लगे। सुने क्या कुछ हुआ उस पूरे संवाद कार्यक्रम में। यह संवाद कार्यक्रम काफी लंबा था और ये वाद विवाद भी काफी देर तक चला, लेकिन हम यहां कुछ उसके अंश लगा रहे हैं, वो आप देखिए वीडियो में आगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। पाठपुरा केला नाही चला मान्य केला की नाही केला पाठपुरा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही आमच्यासाठी काय पाठपुरा केला कोर्टासाठी आमच्या आहे ताई असं आहे ऐकून घेता येईल असं आहे। जेव्हा बाळ रडतोय काय म्हणतो की बाळ रडतो तेव्हा आईला पण कळते की बाबा मला त्याचं काही तब्येत नाही। एक असं आहे एक लक्षात ठेव बाकीचे इथे सुद्धा लोकप्रतिनिधी आहे वकिलांनी ताई एक आहे माझ्या बरोबर माझ्या अगोदर 35-35 वर्ष इथे आमदार आहे त्यांनी काय केलं आपण प्रश्न विचारला त्यांना प्रश्न कसा आहे नाही तुमचा प्रश्नाशी मी सहमत आहे परंतु जेव्हा मला जेव्हा प्रश्न विचारतात ज्यांची सत्ता या ग्रामपंचायत पासून नगरपालिकेपासून महानगरपालिकेमध्ये या शहराची काय अवस्था फरक नाही पडला म्हणून ते आले नाही। अच्छा ठीक आहे मी करतो मग काही एक लक्षात तुम्हाला पुन्हा 5 वर्ष आम्ही विश्वास ठेवायचा आणि पुन्हा 5 वर्ष आम्ही साधा आमच्या लेडीज टॉयलेटचा विषय आमचा सॉल्व नाही झाला तर बिल्डिंग आणि दोन दोन जागा जशी एक आचोळ्याला तर दुसरी मधुबंद अशा दोन दोन जागा न्यायालयासाठी राखीव असूनही आमच्या वसई कोर्टाचा विषय मार्गी लागत नाही का माझ्याशी कोणीही संपर्क साहेब आपण 17 वर्ष काय हा तेव्हा आमचे आमचे हजार वकील आहेत साहेब हजार मत खूप मोठी असते गोष्ट हजार वकील सर साधलाय संपर्क साधलाय साहेब आपले करस्पॉन्डन्स दाखवा साहेब करस्पॉन्डन्स दाखवा ही वेळ आहे वकिलांसाठी स्टँड घ्या एकच प्रश्न आहे आपण खासदार आहात बार असोसिएशनचे जे मेंबर आहेत त्यांची एकत्रितपणे बैठक कधी लावणार ते तुम्ही काय करा हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।